कॉमन तौर पर रिविजन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था वो था एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल की तरफ जब हम आते हैं तो मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल की सबसे पहले बात करते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो रेस्टिंग म्यूरेट पोटेंशियल होता है वो -90 mV के अराउंड होता है। उसके बाद सोडियम पोटेशियम मेटाबेस की एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से 3 सोडियम के मॉलिक्यूल आपके सेल से बाहर जाते हैं, 2 पोटेशियम के मॉलिक्यूल आपके सेल के अंदर आते हैं। तो उसी वक्त क्या होता है वो फिर सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, रैपिड अपस्ट्रोक डीपोलराइजेशन होती है जिसके नतीजे में डीपोलराइजेशन की वजह से जो ग्राफ होगा वो आपका ऊपर की तरफ जाएगा और उसके बाद एक टाइम आएगा जिसकी वजह से सोडियम का इन्फ्लक्स नहीं होगा क्योंकि सोडियम वोल्टेज ग्रेडिएंट जो चैनल होगा वो बंद हो जाएगा। इसके बाद जब पोटेशियम का आउटफ्लक्स होगा, जब पोटेशियम आउटफ्लक्स होगा तो इसके नतीजे में डीपोलराइजेशन से आपका जो चार्ज होगा वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, मतलब कि रीपोलराइजेशन होगा, इसको हम कहते हैं इनिशियल डीपोलराइजेशन। इसके बाद जो स्टेज शुरू होती है इसके अंदर हम देखते हैं तो मैक्रोफेज होती है, यानी कि पोटेशियम आपके सेल से बाहर जा रहा था, कैल्शियम आपके सेल के अंदर आता है, इसको हम कहते हैं मैक्रोफेज। उसके बाद जो वापस स्टेज होती है उसके अंदर हम देखते हैं पोटेशियम जो होता है अपने सेल से बाहर जा रहा होता है, इसको आपने कहा जाता है रीपोलराइजेशन। पोटेशियम के लीकेज आने होने की वजह से हम इसके अंदर हाइड्रोपोलराइजेशन भी देखते हैं। उसके बाद आपका रेस्टिंग म्यूरेट पोटेंशियल आता है। अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है कैसा कौन सा मेन आयन होता है जो रेस्टिंग म्यूरेट पोटेंशियल को मेंटेन करता है, तो आपने कहा था पोटेशियम। उसके बाद आपने कहा रैपिड अपस्ट्रोक डीपोलराइजेशन जो करवाती है वो सोडियम करवाता होता है, आपकी मैक्रोफेज जो होती है वो जरा पोटेशियम और कैल्शियम की वजह से होती है। इसके बाद आपने कहा है कि हां जी जनाब आपका जो दूसरे नंबर पे जब हम कार्डियक मसल्स देखते हैं कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है, जो कि कैल्शियम की इंड्यूस कैल्शियम रिलीज करवाता है जिसकी वजह से सारकोप्लाज्म के रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज होता है, इसकी वजह से मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये कार्डियक मसल है, हम फीचर्स देखते हैं। पेसमेकर के एक्शन पोटेंशियल का आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो है वो फनी चैनल्स ओपन होते हैं, फनी चैनल्स जो होंगे वो जनाब आपके पोटेशियम और सोडियम के इन्फ्लक्स करवाएंगे जिसकी वजह से -60 mV जो रेस्टिंग म्यूरेट पोटेंशियल होता है इससे -40 mV पे जाता है, जो कि थ्रेशोल्ड म्यूरेट पोटेंशियल होता है, ये -340 जो है मिलीवोल्ट के ऊपर आपका कैल्शियम होता है जिससे इन्फ्लक्स होता है जो कि डीपोलराइजेशन कंप्लीट करवाता है। इसके बाद आपका पोटेशियम जो होगा वो सेल से बाहर जाएगा, जब पोटेशियम आपका सेल से बाहर जाएगा तो आपकी डीपोलराइजेशन होगी, इसको हम कहते होते हैं मुकम्मल तौर पर आपका पेसमेकर एक्शन पोटेंशियल होता है। लेकिन इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आप लोगों ने याद करना है वो ये है कि इनिशियल डीपोलराइजेशन जो करवाते हैं फनी चैनल्स होते हैं जिसकी वजह से पोटेशियम और सोडियम आपके सेल के अंदर होते हैं, ये पोटेशियम और सोडियम यानी कि फनी चैनल्स जो होते हैं आपके हार्ट रेट को बहुत ज्यादा मेंटेन करते होते हैं, वो कंडीशन जिसके अंदर जब आपकी हार्ट रेट ज्यादा होगी इसके अंदर जो फनी चैनल्स होते हैं उसके अंदर स्टिमुलेशन ज्यादा होता है जैसे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसके बाद आपके जो फनी चैनल जैसे कि आपको ब्लॉक होने की जैसे कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एडिनोसिन एसी टाइप का जो होगा वो जरा इसको ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से हार्ट रेट कम होगी, ब्रैडीकार्डिया का पेशेंट रहेगा। उसके बाद आपने ये कहना होता है कि इसके अंदर स्टेज 1 और स्टेज 2 जो होती है वो नहीं होती, इसके अंदर एब्सेंट होती है, जो नॉर्मल तौर पर डीपोलराइजेशन करवाता है वो कैल्शियम होता है और जो डीपोलराइजेशन करवाता है वो पोटेशियम होता है। इसी चीज की जब बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पीवी होती है जो कि जनाब आपके ऐसे नोड होता है, ऐसे नोड जो होगा तो जनाब आपका एक तरह का एस जंक्शन होता है जो आपका राइट एट्रियम और स्पीडियल इनर कैवा का दरमियान में होता है, उससे जनाब इंपल्सिस भेजेगा जो कि जनाब एवी नोड के अंदर जाती है, ऐसे नोड आपका इंपल्सिस भेजेगा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसकी वजह से पीवी पैदा होती है, एवी नोड के अंदर जो होता है वो करंट उठता होता है जिसकी वजह से जो स्टेट होती है वो जनाब पीआर इंटरवल बनता होता है। इसके बाद जनाब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी वजह से आप ईसीजी के अंदर पीआरएस कॉम्प्लेक्स देखते हो, वेंट्रिकल जो होगा वो रिलैक्स होगा तो उसकी वजह से पीवी देखते हो। करंट जो पैसेज करता है सबसे पहले एस नोड फिर एवी नोड आपने कहना है कि पीआर इंटरवल जो होगा वो 0.2 मिली सेकंड के अराउंड होता है। अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर आपका एक तरह का एसटी सेगमेंट जो होता है वो के एसटी सेगमेंट जो होता है मुकम्मल तौर पर आपका आइसोइलेक्ट्रिक मतलब कि एक तरह का डीपोलराइजेशन को शो करता है, मुकम्मल तौर पर डीपोलराइजेशन हो गई है, यू वेव जो होगी वो हाइपोक्लीमिया के अंदर आप देखते होते हो, उसके बाद हाइपोथर्मिया के अंदर देखते हो, टी वेव जो होती है वो आप टार्डी वेव ऑफ हाइपरक्लीमिया के अंदर देखते होते हो। अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट आपके पास आता है जिसको एट्रियल फिब्रिलेशन होती है जिसके अंदर पी वेव जो होगी वो एब्सेंट होगी, इरेगुलरली इरेगुलर रिदम होगा, रेट जो होगा वो सिंक्रोनाइज होगा, इसकी आपके पास प्रेजेंट कर रहा है उसकी जनाब डेथ हो जाएगी मेडिकल फिब्रिलेशन के अंदर, इसके अंदर आप सीपीआर आप करते हैं कार्डियोवर्जन आप डिफिब्रिलेटर आपने इस्तेमाल करना होता है।
उसके बाद आता पीआर इंटरवल जिनके हार्ट ब्लॉक। अगर किसी बंदे के अंदर पीआर इंटरवल 0.2 मिलीसेकंड से ज्यादा और उसके बाद क्यूरस कॉम्प्लेक्स जो वो प्रेजेंट हो तो हम इसको कहते हैं फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। इसका कोई वैसे ट्रीटमेंट नहीं करते। सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर आपका क्यूरस कॉम्प्लेक्स एब्सेंट होता है। अगर फॉर एग्जांपल आपका पीआर इंटरवल आहिस्ता हार्ट और क्यूरस कॉम्प्लेक्स एकदम गायब हो गया तो इसका आप इसको आपने कहना था मोबिस टाइप का जो होता है वो हार्ट ब्लॉक होता है। अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे के अंदर क्यूरस कॉम्प्लेक्स जो कांस्टेंट बढ़ रहा है कांस्टेंट है मतलब जो बड़ा होगा उसके बाद क्यूरस कॉम्प्लेक्स एकदम जो होता है वो गायब होगा तो इसको आपने कहना मोबिस टाइप 2। ये मोबिस टाइप 2 जो होती है एंजाइना को हम कहते हैं तो चेस्ट फ्री और इसके अंदर जो मेन चीज होती है आपका रेस्टिंग उठे मतलब कि एक होता है स्टेबल एंजाइना जिसके ऊपर आपका कोई एक्सर्शनल एक्टिविटी करो तो आपके दर्द होती रेस्ट करने के साथ ज्यादा ठीक होता है। एसटी सेगमेंट जो होता है वो जरा आप उसके अंदर डिप्रेशन देख सकते हो जब आप एक तरह की कोई एक्टिविटी देखते हो। वैसे नॉर्मल के ऊपर आपके एसटी सेगमेंट के अंदर डिप्रेशन करके नॉर्मल आनी चाहिए उसके बाद आपका कार्डियक एग्जाम जो है एब्सेंट होनी चाहिए। तो कभी भी एग्जाम का अंदर क्वेश्चन आता है कि पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करता है जब वो एक्सर्शनल एक्टिविटी करता है तब दर्द होती है जब वो लीव बैठता है उसकी दर्द होती है लीव होती है इसको हम कहते हैं स्टेबल एंजाइना। नाइट्रो की लीव देकर रेस्ट कर पाएंगे बाकी मेडिकेशन जो होती है वो भी देते होते हैं। हम लोग देख रहे होते हैं कौन कौन सी वजह से हो रहा है। अनस्टेबल एंजाइना बैठे बैठे टंपल बुलेट स्ट्रोक बनता होता है। टंपल बुलेट स्ट्रोक में टंपल बुलेट जो होता है वो ब्लैक होता है वो जो रिमूव होता है उसके बाद जला के किसी क्रोनिक आर्टरी के अंदर जाकर डिपॉजिट हो जाता है। मोर देन 80% से ज्यादा जो वैसे वो ब्लॉक होते हैं जिसकी वजह से जनाब आप बैठे बैठे दर्द और उसके बाद थोड़ा सा काम करने की वजह से दर्द होती है इसको अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं। अनस्टेबल एंजाइना के अंदर आप लोगों ने ये बात देखनी होती है कि ये कोई भी एक्सर्शनल एक्टिविटी के साथ लेना देना नहीं है। एसटी सेगमेंट की प्रेशर होती है कार्डियक एग्जाम इसके अंदर भी क्यों एक तरह के नेगेटिव होकर इसके अंदर भी आपके सेम टू सेम वैसे ट्रीटमेंट करना है जैसे कि एमआई पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हो मतलब पीसीए कर सकते होते हो और उसके बाद जहाँ पैसे आप यूज कर रहे लेकिन नोज की आप पीसीए की तरफ ही जाते हो। इसके बाद आपका ज्यादा स्पास्टिक एंजाइना जिसको हम कहते हैं मेटल एंजाइना भी क्लियर करता है जो ड्रैगन टेप करती है इसके अंदर किसी भी तरह का एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक नहीं बनता क्योंकि ब्लड प्रेशर जो थोड़ा स्पास्म होती है जिसकी वजह से जनाब आपने एसटी सेगमेंट की एलिवेशन देखी कार्डियक एग्जाम इसके अंदर आपने नेगेटिव देख लिया। उसके बाद अंदर एमएसटी नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफेक्शन इसके अंदर क्या होगा कि आपका पास जो पेशेंट टाइप है उसके अंदर जनाब आपके एसटी सेगमेंट की एलिवेशन हो रही थी कार्डियक एग्जाम के अंदर नेगेटिव हो गया आप ये देखते हो इसको हमने कहना था नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफेक्शन। उसके बाद आपके पास पेशेंट का मायोकार्डियल इंफेक्शन का इसके अंदर आपने ये देखना है कि पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा उसके अंदर जनाब चेस्ट पेन होगी रेडिएटिंग का होगी जनाब आपके हां बाहू की तरफ क्रशिंग चेस्ट पेन होगी मोर देन 30 मिनट्स का दुरानिया होगा। जो पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा इसके अंदर आपने देखना है कि हां जी जनाब वैसे कौन सी वॉल है। अगर पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करता है उसके अंदर वो ज्यादा कंफ्यूज एरिया होती है ब्लीड का अंदर आपके एसटी सेगमेंट का एलिवेशन है उसके बाद राइट वेंट्रिकल जो है उसके अंदर नेक्रोसिस होता है आपसे कहना है कि आरसी इन्वॉल्व है। उसके बाद आपने इसको कहना होता है कि इसके अंदर इंफीरियर वॉल एमआई है। अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट आपके पास आता है उसके अंदर वो कहता है कि आपका इंट्रा वेंट्रिकुलर जो सेप्टा है वो जनाब आपका डैमेज हो सकता है उसके बाद इंटीरियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो है उसको सप्लाई नहीं मिल रही जिसकी वजह से आपने कहा लार्जर जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसेंडिंग आर्टरी जो मोस्ट कॉमन होती है वही वॉल्व है और आपने कहा कि B1 से लेकर B4 जो लीड होती है उसके अंदर एसटी सेगमेंट की एलिवेशन देखते हैं जिसको हमने कहा है उसका एंट्रो सेप्टल वॉल एमआई। फिर आपने कहा लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है जो कि लेटरल वॉल को सप्लाई करती होती है इसके अंदर मान एरियल B5 और B6 जो होती है इसके अंदर आप एसटी सेगमेंट की एलिवेशन देखते हैं उसको हम कहते हैं लेटरल वॉल एमआई। अब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पेशेंट आता है जिसको एमआई का है उसके अंदर हमने करना है इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले ईसीजी और उसके बाद
ट्रीटमेंट का करना, गोल्ड स्टैंडर्ड का ट्रीटमेंट होता है, पीसीए होता है, पीसीए में होता है, फिर आपने सल्फर एंड ड्रग दे दी जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकाइन या एडिप्लेस नेटिप्लेस एडिप्लेस, उसके बाद आपने क्या करना होता है इसके साथ आइसक्रीम मार्किंग ऑक्सीजन नाइट्रीजन का जैसे भी दे सकते होते हो, उसके बाद स्टेटिन ग्रुप की ड्रग्स देनी होती है, एसिड ग्रुप की ड्रग्स देनी होती है, जब इसके ये सारे जो ड्रग्स होते हैं आप यूज करते होते हो। अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट उसको हार्ट अटैक हुआ फर्स्ट 4 आवर तक उसकी डेथ होगी तो आपने पहला जो कार्डियक शॉक है वो हुआ या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होगी, उसके बाद अगर एक दिन के अंदर उसकी डेथ होगी तो आपको उसने कहा अरिथमिया की वजह से हुई जिसकी वजह से हम कॉगुलेशन का प्रोसेस देखते हैं, एक दिन के अंदर आपने कहा ब्लड पेरिकार्डाइटिस देखते होते हैं जिसकी वजह से आपका जो न्यूट्रोफिल का लेवल होता है वो ज्यादा था, फिर से 7 डेज के अंदर मैक्रोफेज का लेवल ज्यादा था जिसकी वजह से जनाब आपने कार्डियक कंपोनेंट देखना है, वेंट्रिकुलर डेथ देखना था, आपके एक तरह का ट्राइकस्ट में वाइटल रेगुलेशन देखनी होगी ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर पेशेंट आता है कि मंथ की हिस्ट्री के साथ उसके बाद वो पेरिकार्डाइटिस की हिस्ट्री दे रहा है तो आपको पता करने के ब्लेसर सिंड्रोम का आपका कुछ ये आर्ट उसके बाद आपने देखा था प्रेशर प्रेशर को आपको कहना है कि हम जितना राइट एटियल प्रेशर पे होता है वो जनाब आपको 5 होता है, उसके बाद जनाब राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर तो 25 होता है, उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी का तो 25 ओवर 10 होता है, उसके बाद आपने कहना है कि पल्मोनरी लेफ्ट साइड का जो प्रेशर होता है वो जनाब आपने कहना होता है कि हम जितना 12 होता है लेफ्ट एटियल का, लेफ्ट वेंट्रिकल का जो प्रेशर होता है वो 130/10 होता है, लेफ्ट जो एओर्टा होता है उसका प्रेशर होता है वो 130/90 होता है। अब देखेंगे अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे के अंदर लेफ्ट एटियल का प्रेशर मौजूद करता है लेफ्ट एटियल का जो प्रेशर आप चीज आ रहे किसको कहते हैं जनाब लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी से। अब अगर फादर जब आप किसी बंदे के अंदर लेफ्ट एटियल का प्रेशर मतलब भैया करते हो तो इसमें हम कहते हैं पल्मोनरी कैपिलरी वेल प्रेशर, और पल्मोनरी कैपिलरी वेल प्रेशर के अंदर आपने लेफ्ट एटियल का प्रेशर मेजर कर सकते हो, तो इसके लिए हम एक थ्योरी यूज करते हो तो जिसको हम कहते हैं स्वैन गेन्स कैथेटर। ठीक हो गया बच्चों।